हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्राइंग विद ईश्वरी। आज हम करने वाले हैं शिवाजी महाराज के ड्राइंग को कलरिंग। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए लेट्स स्टार्ट। ये आउटलाइन मैंने ऑलरेडी बनाया था और इसका मैंने जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड किया है, आप देख सकते हैं ये वाला वीडियो। तो इसमें मैंने समझाया कि किस तरीके से आप आउटलाइन बना सकते हो ये वाला। सो फ्रेंड्स, हम यूज़ कर रहे हैं पेंसिल कलर्स का। तो पेंसिल कलर्स के हेल्प से मैंने सबसे पहले ब्राउन शेड लिया है। उसके ऊपर मैं बिल्कुल लाइट हैंडेडली ब्राउन शेड लगाने के बाद मैं अभी बाकी शेड्स का यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि ब्लैक, पिंक, येलो और ऑरेंज। तो जहाँ जहाँ पे जो जो शेड दिख रहा है रेफरेंस इमेज में, ये वाला रेफरेंस इमेज है, तो वहाँ वहाँ पर मैं वो शेड्स लगा रही हूँ। और ये जो लेयर है, फर्स्ट लेयर जो है, वो मैं बिल्कुल लाइट हैंडेडली कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट हैंडेड बनाना है, बिल्कुल डार्क नहीं करना है डायरेक्टली, बिकॉज़ फिर आपके पेंसिल कलर्स भी आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे, बार बार शार्पन करना पड़ेगा और ड्राइंग भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आपको बिल्कुल लाइट हैंड से लेयर बाय लेयर ड्राइंग बनाना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से अलग अलग शेड्स यूज़ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि स्किन है तो स्किन कलर ही सिर्फ हमें यूज़ करना है, और भी बहुत सारे कलर्स हमें दिख सकते हैं। तो रेफरेंस इमेज में हमें ये सब ऑब्जर्व करना है कौन से शेड्स हमें दिख रहे हैं। जहाँ जहाँ पे बिल्कुल हाइलाइटेड एरिया है वहाँ वहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल कुछ कलर नहीं कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो चीक्स पे वगैरह बिल्कुल मैंने वहाँ पे वाइट रख दिया है, मतलब बिल्कुल फेंट वहाँ पे रख दिया है, तो उससे हाईलाइट वाला इफेक्ट आता है। हालांकि हम बाद में इसको और हाईलाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्रेलिक कलर लास्ट में, तब तक के लिए अभी हम सिर्फ पेंसिल कलर्स का पूरा बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरे ड्राइंग को कलर किया है, इसी टेक्निक से करना है, लाइट से डार्क शेड और एक भी एक शेड के ऊपर दूसरा शेड जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो, इसलिए हमें सब शेड्स लाइट हैंड से बनाने हैं, बिल्कुल डार्क हैंड से नहीं बनाने हैं। इससे क्या होता है, दोनों शेड्स जो होते हैं वो एक दूसरे में अच्छे से मर्ज होते हैं और हमारा ड्राइंग अच्छा दिखता है। पेंसिल कलर का काम हमारा हो गया है और अब हम यूज़ कर रहे हैं एक्रेलिक कलर फॉर गिविंग दी हाईलाइट टू आर ड्राइंग। तो इस तरीके से मैंने एक्रेलिक कलर की हेल्प से हाईलाइट दिखाया है सब जगह पे। सबसे पहले मैंने लिया है वाइट एक्रेलिक कलर, उसके हेल्प से जहाँ जहाँ पे वाइटिशनेस दिख रहा है वहाँ वहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया है। चीक पर भी मैंने इसको यूज़ किया है और नोज़ पर भी मैंने यूज़ किया है, थोड़ा सा फोरहेड वाला पार्ट में भी यूज़ किया है। तो इस तरीके से अच्छे से हाईलाइट दिखाना चाहिए हमें ड्राइंग को और अच्छा दिखाने के लिए आर्टवर्क को। और अच्छे से ये करने के बाद हम माला पे भी इसका यूज़ करेंगे, जो गले में माला है शिवाजी महाराज के उसमें भी। तो आप देख सकते हो किस तरीके से चीक्स पे और बाकी जगह पे भी मैंने इसका यूज़ किया है अच्छे से। तो अब हम यूज़ करेंगे येलो एक्रेलिक कलर का। तो इसके हेल्प से भी हमें अच्छे से शेडिंग दिखाना है, मतलब हाईलाइट दिखाना है। तो जहाँ जहाँ पे गोल्डन एरिया है, जैसे कि माला वगैरह, वहाँ पे मैं येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से, और अच्छे से हाईलाइट दिखाने के लिए।
तरीके से येलो कलर का यूज कर रहे हैं हम लोग। और अब इसके बाद बारी आती है हमारे ड्राइंग को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है ब्राउन पेन। तो इसकी हेल्प से हम और डिफाइन करेंगे, आउटलाइन बनाएंगे ड्राइंग का। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से आउटलाइन बना रहे हैं, नो, बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा करके हमें आउटलाइन बनाना है। ऐसा नहीं है कि पूरा ड्राइंग को हमें फिर से बनाना है, नो, तो उससे हमारा ड्राइंग रियल नहीं लगेगा। इसलिए हमें इस तरीके से आउटलाइन बनाना है। तो ड्राइंग ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है पूरी तरीके से, कलरिंग, फिर हाइलाइटिंग, फिर और ज़्यादा डिफाइनिंग करना, सब कुछ। अब बस बारी है बैकग्राउंड बनाने की। तो बैकग्राउंड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वाटर कलर्स का, बिकॉज़ मुझे अच्छे से बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड दिखाना था। मैं अपने मन से बैकग्राउंड बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यूज़ किया है वाटर कलर्स, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा वाटर और बिल्कुल कम कलर, इस तरीके से मैंने पहले येलो कलर लगाया इस तरीके से। और इसके अंदर हम और भी शेड्स लगाएंगे, जैसे कि ऑरेंज, फिर डार्क येलो, इन कलर का भी यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये वाला पोजीशन मैंने पूरे अपने आइडिया से बनाया है। और इसी के साथ हमारा आर्ट वर्क पूरी तरीके से कम्प्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं फाइनल रिज़ल्ट। आपको ये आर्ट वर्क कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप सपोर्टिंग गाइस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।